हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक है ब्लड रिलेशंस। और ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन करने से पहले हम ट्रिक्स यूज करेंगे जिससे कि हमसे गलती ना हो। और वो ट्रिक्स क्या है, हम मेल के लिए या बॉय के लिए रेक्टेंगल बनाएंगे, फीमेल के लिए हम सर्किल बनाएंगे, सिबलिंग्स का मतलब भाई बहन कजिन इन सब के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, स्पाउस का मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, इक्वल टू का सिंबल भी बोल सकते हो, और पेरेंट चिल्ड्रन के लिए हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। पेरेंट चिल्ड्रन में कौन आ गए, फादर सन, फादर डॉटर, या फिर मदर सन, मदर डॉटर। तो ये वाली ट्रिक्स को यूज करके हम इस क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे, और हमसे गलती भी नहीं होगी, आंसर एकदम ठीक निकलेगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। मालिनी सेड, तो मालिनी इज ए गर्ल, मालिनी इज ए गर्ल, तो मैंने क्या किया, मालिनी के लिए एक सर्किल बना दिया। ठीक है, मालिनी ने बोला रोहित इज माय मैटरनल आंट, तो मालिनी की मैटरनल आंट, आंट का मतलब क्या होता है, आंट में तो सब आ जाते हैं। ठीक है, मैटरनल आंट में क्या आएगा, मौसी आएगी। ठीक है, और मामी भी आती है। ठीक है, तो मम्मी के साइड की जितनी भी लेडीज हैं वो सब मैटरनल आंट, पैटरनल आंट में कौन सी चीजें आएंगी, पैटरनल आंट में आएगी आपकी बुआ। ठीक है, और आपकी चाची, तो ये सारी की सारी आंट हैं आपकी। ठीक है, और इनमें से मैटरनल क्या है, मामी और मौसी, और पैटर्नल कौन सी है, बुआ और चाची, लेकिन पैटर्नल आंट के बारे में तो बात की नहीं गई है। ठीक है, और देखा जाए तो सारे की सारी आंट हैं ये, तो हमें क्या है, मौसी और मामी में से कोई लेना है, तो हम मौसी को लेंगे। ठीक है, तो रोहित इज माय मैटर्नल आंट, तो मालिनी की मैटर्नल आंट कौन सी हो गई, मालिनी के एक तो फादर हो गए, फादर के लिए रेक्टेंगल बना दिया, और मालिनी की मदर के लिए मैंने सर्किल बना दिया। ठीक है, और ये हस्बैंड वाइफ है तो इनके लिए मैंने दो हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। अब मालिनी की मैटरनल आंट का मतलब क्या हो गया, उसकी मदर की सिस्टर। ठीक है, तो ये क्या है, मालिनी की मैटरनल आंट हो गई। ठीक है, रोहित इज माई मैटरनल आंट्स मदर्स, तो मैटरनल आंट की मदर। ठीक है, तो ये भी देखो इनकी मदर है। ठीक है, तो मैटरनल आंट की मदर क्या हुई, यानी कि मालिनी की मदर की भी माँ हुई, नानी हुई। ठीक है, तो मैटरनल आंट आंट्स मदर्स ओनली सन्स सन्स सन। ठीक है, तो मैटरनल आंट की माँ का इकलौता बेटा कौन हुआ, वो तो मामा हो गया मालिनी का। ठीक है, ओनली सन, तो ये मामा हो गया मालिनी का। ठीक है, और ये मालिनी की मौसी हो गई। ठीक है, और ये मालिनी की मदर हो गई। ठीक है, तो मैटरनल आंट्स मदर्स ओनली सन्स सन्स, तो मामा का लड़का ये। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है, और ये कौन है, रोहित है। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे समझोगे, रोहित इज माय मैटरनल आंट्स, तो मालिनी ने बोला रोहित इज माय मैटरनल आंट्स, मेरी मैटरनल आंट की मदर का इकलौता बेटा। ठीक है ना, तो मौसी की मदर कौन हुई, नानी, नानी का इकलौता बेटा मामा हुआ। ठीक है, और उनका लड़का यानी कि मामा का लड़का। ठीक है, तो मामा का लड़का कौन होता है, मामा का लड़का तो कजिन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कजिन, ब्रदर नहीं होगा इसका, क्योंकि ब्रदर तो एकदम रियल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कजिन, तो ये कजिन आंसर आ जाएगा इसका। और ये देखो, इसको मैप को बना के, इस ट्रिक्स को यूज करके हमारा आंसर कभी गलत नहीं होगा, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। इस तरीके से आप रफ में, इस तरीके से आप मैप वगैरह बना के, ये ट्रिक्स यूज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी निकाल पाओगे, और गलती होने का कोई चांस नहीं है।
ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे. सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.